Hello friends, welcome you on my YouTube channel Study with Physics, and today I discuss about accelerator. Now what is accelerator? It is a device which is used to increase the kinetic energy of the particle. Means agar kisi bhi particle ki energy ko increase karna hai to uske liye accelerator use karte hain. The particle most often used for acceleration are electron and nuclei of light element such as proton, neutron and alpha particle. Means jo isme mostly use hone wale particles hain acceleration mein wo hai ek to electron aur jo nuclei hain light element ke, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल्स के न्यूक्लियाई. देन टाइप ऑफ एक्सेलरेटर अकॉर्डिंग विद देयर रेंज. देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सेलरेटर. फर्स्ट है लो एनर्जी एक्सेलरेटर. इसमें एनर्जी रेंज होगी 10 to 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मींस इस एनर्जी रेंज के बीच में कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा मटीरियल पर. देन आएगा मीडियम एनर्जी एक्सेलरेटर. इसमें एनर्जी रेंज होगी 100 to 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड देन हाई एनर्जी एक्सेलरेटर. इसमें एनर्जी रेंज होगी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट जो एक्सेलरेटर है वो है कोक्रोफ्ट वोल्टन एक्सेलरेटर. द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर कंसिस्ट इंटायरली इन स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ हाई वोल्टेज टर्मिनल टू एक्सेलरेट द चार्ज फ्रॉम आयन सोर्स. मीन्स इस एक्सेलरेटर में क्या करेंगे, हाई वोल्टेज टर्मिनल को बिल्ड करेंगे या फिर मेंटेन करेंगे किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए आयन सोर्स से. द अर्लीस्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एप्लीकेशन वॉज इन 1932 बाई जे डी कोक्रोफ्ट एंड ई वोल्टन हु बिल्ड अ डिवाइस दैट इज़ नोन एज कोक्रोफ्ट वोल्टन एक्सेलरेटर. ये डेवलप हुआ था 1932 में और जे डी कोक्रोफ्ट एंड ई वोल्टन ने किया था. एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस इज नोन एज कोक्रोफ्ट वोल्टन एक्सेलरेटर. देन इसके बाद इसका डिज़ाइन है, हेयर वी यूज 6 डायोड्स एंड 6 कैपेसिटर एंड अ ट्रांसफॉर्मर टी आर. नाउ आई एक्सप्लेन हाउ इट वर्क. फर्स्टली पॉइंट बी को कनेक्ट करेंगे अर्थ से. यहाँ से इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा. देन अप्लाई करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल. इससे जो आर वन डायोड है वो कंडक्ट करेगा और जो कैपेसिटर सी वन है वो चार्ज होगा विद कैपेसिटेंस वी नोट के साथ. देन अगेन अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल. इससे डायोड आर टू कंडक्ट करेगा और जो कैपेसिटर सी टू है वो चार्ज होगा विद कैपेसिटेंस टू वी नोट के साथ. अगेन अप्लाई करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल. इससे डायोड आर थ्री है वो कंडक्ट करेगा और जो कैपेसिटर सी थ्री है वो चार्ज होगा विद कैपेसिटेंस थ्री वी नोट के साथ. और यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे. इसमें हर एक स्टेप में वोल्टेज इंक्रीज होगी इसलिए वो इसे वोल्टेज मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर भी बोलते हैं. और अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो इसमें ज़्यादा कैपेसिटर्स और डायोड्स का यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई टेल सम पॉइंट्स अबाउट दैट एक्सेलरेटर. The Cockcroft Walton Accelerator is a voltage multiplier circuit that convert AC or pulsing DC electrical power from a low voltage level to a higher voltage level. Means जो Cockcroft Accelerator एक्सेलरेटर है ये एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है. इसमें कन्वर्ट करेंगे एसी या फिर पल्सिंग डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को लो वोल्टेज वैल्यू से हाई वोल्टेज वैल्यू में. इट इज़ मेड अप ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर लैडर नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर एंड डायोड टू जनरेट हाई वोल्टेज यूजिंग ओनली कैपेसिटर एंड डायोड्स. इसमें हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर और डायोड्स का हाई वैल्यू हाई वोल्टेज वैल्यू को जनरेट करने के लिए. दिस वोल्टेज मल्टीप्लायर कैन स्टेप अप रिलेटिवली लो वोल्टेज टू एक्सट्रीमली हाई वैल्यू. ये स्टेप अप करेगा लो वोल्टेज वैल्यू को हाई वोल्टेज वैल्यू में. इन द गिवन फिगर अ नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर अरेंज टुगेदर विद एवरेज रेक्टिफायर. इसमें जो हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे वो इक्वल कैपेसिटेंस के होंगे. द ट्रांसफार्मर टी आर अप्लाई एंड ए सी वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू वी नोट मे रेंज फ्रॉम 25 to 100 किलो वोल्ट. इसमें जो ट्रांसफार्मर टी आर अप्लाई किया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट कर ली वी नोट है और उसकी रेंज होगी 25 से 100 किलो वोल्ट के बीच में. द पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ. जो पॉइंट बी है उसे कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ. देन इसकी वर्किंग है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी. अब एप्लीकेशन. इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड अल्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अल्ट्रेशन ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये यूज़ होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सेमीकंडक्टर की और जो अल्ट्रेशन है मैकेनिकल या फिर थर्मल प्रॉपर्टी की मटेरियल्स की उनमें. एडवांटेज. द कोक्रोफ्ट वोल्टन मशीन हैज़ द एडवांटेज ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन. इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना सिंपल है.